Hi student, how are you? Welcome back in our biology class. We already discussed about the arthropoda. हम लोग आर्थ्रोपोडा के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और अभी इसी सिलसिले में आगे कंटिन्यू रखते हैं. नेक्स्ट हेडिंग डालिए, लेबल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. इसमें कौन सा लेबल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है? लेबल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन राइट. तो आर्थ्रोपोडा में ज्यादातर ऑर्गन सिस्टम लेबल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नाउ लुक एट द एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन. एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेशन. इन द केस ऑफ आर्थ्रोपोड्स द एलिमेंट्री कैनाल इज कम्प्लीट एंड वेल डेवलप्ड. एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर वेल डेवलप्ड पाई जाती है और मस्कुलर फायरिंग्स पाए जाते हैं. और डाइजेशन कैसा होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर. तो लिख लीजिए, एलिमेंट्री कैनाल इज कम्प्लीट एंड डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर. राइट. नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन. एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन. यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं और ग्रीन या फिर कॉक्सल ग्लैंड कहते हैं, जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को बाहर निकालते हैं. तो हेडिंग लिख लीजिए, पॉइंट, मैल्पीजियन ट्यूब्यूल ट्यूब्यूल्स और कॉक्सल ग्लैंड एंड ग्रीन ग्लैंड और कॉक्सल ग्लैंड. ये पाए जाते हैं एक्सक्रीशन के लिए. राइट. नाउ सिक्रीट क्या होते हैं? यहाँ से जो बेसिकली सिक्रीट होने वाले एलिमेंट्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, यूरिक एसिड और अमोनिया. तो एक्सक्रीशन में आता है, एक्सक्रीशन में या तो यूरिक एक्सक्रीशन में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो टू टाइप्स के पाए जाते हैं. या तो एक्सक्रीशन किसका होगा? यूरिक एसिड का या फिर अमोनिया. तो यूरिक एसिड किस पे पाया जाता है? जो टेरेस्ट्रियल या ज़मीन पर पाए जाते हैं. और अमोनिया का सिक्रीशन मोस्टली एक्वेटिक, जो वाटर में पाए जाते हैं. यूरिक एसिड और अमोनिया. यूरिक एसिड जो लैंड में पाए जाते हैं या टेरेस्ट्रियल. और अमोनिया जो एक्वेटिक होते हैं या वाटर में पाए जाते हैं. राइट. नाउ हेडिंग डाल दीजिए रिस्पायरेशन. यहाँ रिस्पायरेशन
के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन पाया जाता है, वैसे तो हम उसको नॉर्मली लंग्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पर टेस्टल कंडीशन में एक पूरी तरह से जिसे कहते हैं डेवलपिंग ऑर्गन पाया जाता है, जिसको हम बुक लंग्स कहते हैं। और उसका अपीयरेंस कैसा होता है? बुक जैसा, इसलिए इसको हम बुक लंग्स कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, रिस्पायरेशन। जो रिस्पायरेशन पाया जाता है वो बेसिकली कैसा होता है? एरोबिक होता है। और जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है उनके नाम लिख लीजिए, ऑर्गन्स कौन कौन से पाए जाते हैं, क्योंकि इनकी जो हैबिटेट है वो लार्ज स्केल में पाई जाती है, वाटर में पाए जाते हैं, एयर में पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल कंडीशन में पाए जाते हैं, तो दैट इज़ व्हाई दे हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। जो एक्वेटिक हैं वो गिल्स के थ्रू, जो टेरेस्ट्रियल हैं उनमें बुक लंग्स पाए जाते हैं, राइट। और तीसरा टाइप का जो रिस्पायरेशन होता है उसे हम ट्राइकियल रिस्पायरेशन कहते हैं। तो तीन तरीके के ऑर्गन पाए जाते हैं और इस तरह से थ्री टाइप के रिस्पायरेशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब हेडिंग डाल दीजिए बॉडी फ्लूइड एंड देयर सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड इट्स सर्कुलेशन। नाउ इन द केस ऑफ आर्थ्रोपोडा, यहां पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? ओपन टाइप। राइट, नाउ नेक्स्ट, नाउ लुक एट द सेंसरी ऑर्गन्स। यहाँ पर सेंसरी ऑर्गन के नाम पर तीन ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिसको हम एक तो आइज कहते हैं, आँखें जिसके थ्रू ये देख सकते हैं, दूसरा एंटीना है, और तीसरा है स्टेटोसिस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, सेंसरी ऑर्गन्स। तो तीन बेसिकली ऑर्गन्स पाए जाते हैं, वन बाय वन लिख लेते हैं। ए कंपाउंड आइज, कंपाउंड आइज। दूसरा पाया जाता है इनमें एंटीनी, और थर्ड तीसरा पाया जाता है जिसको हम स्टेटोसिस्ट कहते हैं। कंपाउंड आइज का क्या मतलब होता है? ये छोटे छोटे स्मॉल आइज से मिलकर बनी होती है, इनकी संख्या 200 जितनी हो सकती है। हालांकि कंपाउंड आइज से इनको क्लियर विज़न तो नहीं मिलता, बट 360 विज़न मिल जाता है, और इसीलिए इनको ट्रैप करना, पकड़ पाना आसान नहीं होता, क्योंकि ये 360 डिग्री देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड आइज। एंटीना यहाँ पर लिख सकते हैं, कंपाउंड आइज भी पाया जाता है और किसी किसी में सिंपल आई भी पाया जाता है। कंपाउंड आइज के लिए आप घरेलू जो मक्खियां हैं जिसे फ्लाइज कहते हैं उनमें पाया जाता है, और सिंपल आइज दोनों ही कंडीशन पाई जाती है। आइज को हम रखते हैं फोटो रिसेप्टर में, तो क्या कहलाते हैं? फोटो रिसेप्टर। दूसरा है एंटीना। एंटीना किस में आता है? इसे हम ऑल्फैक्टरी, ठीक है, और टैंगो रिसेप्टर कहते हैं। ऑल्फैक्टरी यानी जो स्मेल कर सकता है, तो एंटीना स्मेल करने का काम करता है। ऑलिगो फैक्ट्री ऑर्गन के फॉर्म में जाना जाता है।
नाउ स्टेटोसिस्ट क्या काम करता है? ये बैलेंसिंग का काम करता है, बैलेंसिंग. तो दिस इज ऑल अबाउट द सेंसरी ऑर्गन्स विच इज फाउंड इन द आर्थ्रोपोडा. नेक्स्ट आता है सेक्सुअलिटी. अगर आर्थ्रोपोडा के केस में देखा जाए तो जो सेक्सुअलिटी है वो डिफरेंट पाई जाती है, यानी दे आर यूनिसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल बोथ आर फाउंड डिफरेंट, यानी उनका शेप साइज से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नाउ लिखिए हेडिंग डाल दीजिए सेक्सुअलिटी. तो दे आर यूनिसेक्सुअल विथ क्लियर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी आप देखकर भी इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है. तो यहाँ यूनिसेक्सुअल एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म डिस्टिंक्ट आसानी से पता चल जाता है. नाउ लुक एट द रिप्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन. यहाँ पर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, लेकिन एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है आउटसाइड द बॉडी होता है. तो हेडिंग डाल दीजिए रिप्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन. रिप्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन. तो रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है? दे हैव अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल होता है. दूसरा इंटरनल होता है, और तीसरा जो डेवलपमेंट पाया जाता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है. लिख लीजिए डेवलपमेंट आर फाउंड आउटसाइड द बॉडी. राइट, नेक्स्ट पॉइंट. अच्छा, ये क्यों ऐसा मैंने लिखा आउटसाइड द बॉडी? क्योंकि दे आर बेसिकली ओवीपेरस. स्कॉर्पियन को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर ओवीपेरस होते हैं, और इसीलिए जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो बॉडी के बाहर होती है. तो यहाँ पर दो कंडीशन पाई जाती है, ओवीपेरस, और दूसरी कंडीशन पाई जाती है वीवीपेरस. ओवीपेरस जो कंडीशन पाई जाती है मोस्ट ऑफ द मेंबर, मोस्टली, राइट, तो मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, इंसेक्ट्स हैव ओवीपेरस, यानी ये एग ले करते हैं. लेकिन वीवीपेरस एक एक्सेप्शनल समझ लीजिए, ये पाया जाता है स्कॉर्पियन में. स्कॉर्पियन के केस में क्या होते हैं? वीवीपेरस होते हैं. नाउ लुक एट द डेवलपमेंट. डेवलपमेंट की प्रोसेस कैसी पाई जाती है? ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ कॉकरोच, यहाँ लार्वा निम्फ का फॉर्मेशन होता है. हाउस फ्लाई में मैगोट, और आपने बटरफ्लाई का केस देखा होगा जहाँ पर कैटरपिलर बनता है जो बिल्कुल डिस्टिंक्ट होता है. तो हेडिंग डाल दीजिए नेक्स्ट हेडिंग है डेवलपमेंट. डेवलप मेंट एंड दिस डेवलपमेंट प्रोसेस इज फाउंड इन बोथ द टाइप. 14th पॉइंट है डेवलपमेंट प्रोसेस. तो ये कैसा पाया जाता है? बोथ डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट.
direct and indirect. एग्जाम्पल देखते हैं कॉकरोच के केस में. ठीक है, कॉकरोच के केस में निम्फ लार्वा होता है, सॉरी निम्फ पाया जाता है. इनडायरेक्ट का मतलब होता है लार्वा कंडीशन पाया जाता है. ठीक है, हाउस फ्लाई के केस में क्या होता है, मैगोट का फॉर्मेशन होता है, और बटरफ्लाई के केस में कैटरपिलर. फ्लाई के केस में कैटरपिलर, राइट. तो दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट प्रोसेस इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा. नाउ हेडिंग डाल देते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोड्स. कुछ ऐसे आर्थ्रोपोड्स हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हमारे लिए पाया जाता है. तो हेडिंग डाल दीजिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोडा. जैसा कि आप सभी को पता है कि आर्थ्रोपोडा एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है. अप्रॉक्सीमेटली 80% जो एनिमल्स हैं वो बिलोंग करते हैं आर्थ्रोपोडा से. इनमें कुछ जो स्पीसीज हैं जो इंसेक्ट से बिलोंग करते हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिफिकेशन पाया जाता है, बहुत सारी वराइटीज़ पाई जाती हैं. तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इंडिया में और वर्ल्ड में भी हनी बी, जिसको हम एपिस कहते हैं. एपिस, इसको कॉमनली क्या कहा जाता है, हनी बी. नेक्स्ट दूसरा है बॉम्बिक्स. बॉम्बिक्स जिससे हम सिल्क प्राप्त करते हैं, बॉम्बिक्स सिल्क के प्रोडक्शन के लिए. ठीक है, उसके बाद लैसीफर है जिसे हम लैक इंसेक्ट कहते हैं, सिल्क वॉर्म. नेक्स्ट है लैसीफर, लैसीफर को हम लैक इंसेक्ट कहते हैं जिससे लाख निकलता है, और लाख की लकड़ियों का भी इस्तेमाल किया जाता है, लाख की बैंगल्स चूड़ियाँ बनती हैं, तो इनका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है. उसके बाद नेक्स्ट आता है पैलियोमॉन जिसको हम प्रॉन कहते हैं. पैलियोमॉन को हम कहते हैं झींगा मछली या फिर प्रॉन. कुछ ऐसे आर्थ्रोपोडास हैं जो डिजीज़ को स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं, उनको हम वेक्टर के नाम से जानते हैं. तो लिख लीजिए वेक्टर्स, जो डिजीज़ को स्प्रेड करने का काम करते हैं. उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है मस्का, मस्का डोमेस्टिका जिसको हम हाउस फ्लाई के नाम से जानते हैं, मस्का डोमेस्टिका, इसको हम कॉमनली हाउस फ्लाई कहते हैं. और ये काफ़ी अलग अलग तरीके के डिजीज़ को स्प्रेड कर सकती है, जैसे कॉलरा है, डायरिया है, राइट. कॉलरा, डायरिया, ठीक है, ये कॉमन बीमारियां हैं जो मक्खियों के थ्रू होती हैं. यानी जो हाउस फ्लाई है वो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया प्लस प्रोटोजोआ, दोनों को ही कैरी करती हैं, दोनों के लिए ही
वेक्टर का काम करते हैं। उसके बाद दूसरी जो मेन बीमारियां हैं उनमें आता है प्लाज्मोडियम, जिसको मलेरिया कहते हैं, वो किसके थ्रू स्प्रेड होता है? एनोफ्लीज मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड होता है प्रोटोजोअन जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो लिख लीजिए मलेरिया, इट इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम। तो डिजीज मॉस्किटो की वजह से नहीं होती, डिजीज कॉज होती है प्लाज्मोडियम से, और प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजुअंस है। बट नॉर्मली हमें क्या लगता है कि मॉस्किटो की वजह से डिजीज स्प्रेड होती है, डिजीज कॉज होती है। नो, मॉस्किटोज वर्क एज अ वेक्टर, ये डिजीज को स्प्रेड करने में हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉस्किटो आ जाता है जिसे हम क्यूलेक्स कहते हैं, और क्यूलेक्स की वजह से फिलेरिया हो जाता है। क्यूलेक्स फिलेरिया, जिसको एलिफेंट फीट भी कहते हैं। इसके बाद तीसरा मॉस्किटो आता है एडीज, ये सभी मॉस्किटोज हैं। एडीज मॉस्किटो से क्या होता है? येलो फीवर। तो दीज आर सर्टेन वेक्टर्स विच इज फाउंड इन द आर्थ्रोपोडा फैमिली, और ये अलग अलग डिजीज को स्प्रेड करते हैं। मैं इसका नाम लिख देता हूँ, ये निमेटोडा है जिसको ट्रांसफर करता है, निमेटोड्स। येलो फीवर ये वायरस है, राइट? तो आप देखो प्रोटोजुअन, निमेटोड्स और वायरस, तीनों में ही ये वेक्टर का रोल प्ले करते हैं, राइट? सो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद जो फाइलम आता है उसका नाम है मोलस्का, और मोलस्का में जो मेंबर्स पाए जाते हैं वो एक्चुअली सॉफ्ट होते हैं, इनमें बोनी स्ट्रक्चर या फिर एक्सोस्केलेटन नहीं पाए जाते नॉर्मली, और इसीलिए इसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो हेडिंग डाल दीजिए फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का, और मोलस्कंस में जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, तो मोलस्का का मतलब ही मॉलिस से लिया गया है। मॉलिस का मतलब होता है सॉफ्ट। ठीक है, तो जितने भी सॉफ्ट बॉडीड एनिमल आते हैं वो बिलोंग करते हैं मोलस्का से। अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द मेंबर्स बिलोंग्स टू द फाइलम मोलस्का आर सॉफ्ट बॉडीड एंड इट मे बी कवर्ड बाय द कैलकेरियस स्केलेटन, इनमें कैल्शियम कार्बोनेट के सेल्स या फिर एक्सोस्केलेटन पाए जा सकते हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम में आता है, तो आप ये लिख लीजिए इट इज सेकंड लार्जेस्ट फाइलम आफ्टर आर्थ्रोपोडा, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। अब वन बाई वन देखते हैं इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स। हेडिंग डाल दीजिए करेक्टरिस्टिक्स या करेक्टरिस्टिक फीचर। करेक्टरिस्टिक फीचर,
इस फाइलम के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो कॉमनली सभी में पाए जाते हैं।